कपड़े मोदी लावले आज का दिन हमारे माइनॉरिटी के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। ईद तो 22 तारीख हो गई लेकिन ईद मिलन का प्रोग्राम पूरे महीना भर चलते रहता है और ईद मिलन का मतलब यह है कि सभी का मिलन, जिनको होनी है उनको होनी है तो जलन, उनको होनी है उनको होने दो जलन, लेकिन हम मनाते रहेंगे ईद मिलन। तो अब्दुल रशीद अंसारी जो नए नए हमारे मुंबई के माइनॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं, पहले हमारे हसन जी माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे, हमारे अयूब शेख जो पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, महाराष्ट्र के नेता थे, कांग्रेस में कुछ को बचा नहीं, इधर वो इधर चले आ गए। तो ठीक बात है, वो तो पुणे में रहते हैं, उनकी बीवी कॉरपोरेटर भी है। यहां हमारे आए हैं अली खान जो फिल्म के एक्टर है, हमारे मित्र अली खान, और ये है हमारी जान। तो सुनील पवार जी हमारे तालुका के अध्यक्ष है, बहुत एक्टिव भी है, इसी मैदान पर ही एक प्रोग्राम आपने लिया था, इधर ही मैं आया था। तो जोगेश्वरी में ये ईद मिलन का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत सारे हमारे माइनॉरिटी के सभी नेता इधर आए हैं, सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, सब लोग है। तो वक्त काफी हो चुका है, मैं आज असड़े गांव में था, वहां एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती का बड़ा प्रोग्राम था, पहले मैंने आपको प्रोग्राम में दे दिया था। आज का दिन महाराष्ट्र का दिन भी है, कामगार दिन भी है, बहुत सारे मेहमान भी मौलाना भी इधर काफी आए हैं, रिपब्लिकन पार्टी में माइनॉरिटी के लोग बहुत सारे काम करते हैं और मुस्लिम आवाम जो है, मुस्लिम आवाम माइनॉरिटी आवाम हमारे दिल की प्रदर्शन होते हैं और हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाना, यही हमारे ईद मिलन का मकसद है। ईद मिलन का मकसद यह है कि भारत को मजबूत करने की हमारी भूमिका है। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तब यहां के मुसलमानों को बोला था कि आप पाकिस्तान जाइए, लेकिन यहां के मुसलमानों ने बोला कि भारत हमारी मिट्टी है और हम हमारी मिट्टी छोड़कर किधर भी नहीं जाएंगे। तो तमाम हमारे माइनॉरिटी को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है और हमें देना है हिंदू मुस्लिम एकता का नारा, हमें देना है हिंदू मुस्लिम एकता का नारा, और हिंदू मुस्लिम एकता को जो विरोध करेंगे उनके बजा देंगे हमको 12। देखिए आज हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शोबे अकलियत बॉम्बे प्रदेश की तरफ से ये मीटिंग रखी गई थी, जो ईद मिलन के मौके पर ये मीटिंग रखी गई और ये मीटिंग हमारा एक मैसेज देना है, भाईचारे का मैसेज देना है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर गंगा जमनी तहजीब की तरह हम यहाँ रहें। जिस तरह से अभी हमारी ये देश की एक बड़ी खूबसूरती है कि हर 12 किलोमीटर पे हमारा ज़ुबान बदलता है, तहजीब बदलता है, हर 100 किलोमीटर पे तहजीब बदलता है, लेकिन बोलते हैं कि हम अनेक फूल हैं लेकिन हम एक साथ रहते हैं। हर जो फूल हैं, हर तरह के फूल हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब हम लोग भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने क्या कहा कि जो भी इसके खिलाफ, जो हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जो आवाज़ बढ़ाएगा हम उसको दबाने का काम करेंगे और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे, और ये दिखने को आ रहा है।
और देखिए आज मैं अल्पसंख्यक की तरफ से आज मैं बॉम्बे का अध्यक्ष हूँ, माइनॉरिटी का अध्यक्ष मुझे साहब माननीय रामदास जी अटल साहब ने बनाया, उन्होंने बनाया। लेकिन कैसा है कि अभी उनका डायरेक्शन है, आज भले वो आज समझिए कि आज एनडीए के साथ हैं, वो सरकार में है, लेकिन आज कोई इश्यूज ऐसा होता है जो हम लेकर जाते हैं जो अल्पसंख्यकों से, तो सरकार में रहकर वो उसका विरोध करते हैं, ये बड़ी बात है। आपने कई इश्यूज पे देखा होगा, जब मस्जिद की बात आई, भोंगा की बात आई, तो हमारे माननीय रामदास जी अढ़ल साहब ने हमें खुद बुलाकर कहा कि पूरे बॉम्बे के मस्जिदों में हमारे कार्यकर्ता ड्यूटी देंगे और जो भी इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं उसको हम कुचलने का काम करेंगे और इस तरह से हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। की पार्टी थी, हमें अब्दुल रशीद अंसारी साहब ने इनवाइट किया था। अठौले साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं एक कलाकार हूँ, बहुत सारी फिल्मों में आपने मुझे देखा होगा, जैसे कि खुदा गवाह, सरफरोश, कोहराम, मातुजे सलाम, 150-200 फिल्मों में मैंने काम किया। लेकिन मैं सोशल कामों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, काफ़ी काम करता हूँ और हमेशा कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग भी अपने लेवल पे काम करते रहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, चूँकि मैं सिंटा सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की कमेटी का कई टर्म मेम्बर रहा, तो उस नाते भी मैं बहुत हेल्प करता हूँ। और आज मुझे यहाँ बुलाया था, अठौले साहब ने भी बुलाया था और रशीद भाई ने भी बुलाया था, तो मैं यहाँ पे आके बड़ा अच्छा लगा। सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जितने भी लोग आए, मीडिया कर्मी के लोग, यहाँ की आवाम जो आई, और बड़ी अच्छी बातें हुई। अठौले साहब तो बहुत नेक इंसान है, जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है 12 बजे रात को भी, और हम कलाकारों के लिए हमेशा वो साथ देते हैं, जुड़े रहते हैं, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आज ईद मिलाद प्रोग्राम रखा गया था, ईद मिलन प्रोग्राम, और ईद मिलन जैसे कि बताया गया कि हमारे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है कि जब भी किसी भी कौम का त्यौहार होता है तो सब मिलकर हम मनाते हैं। हिंदू का होली होता है तो मुसलमान और दूसरी सब कौम शरीक हो जाती है, इसी तरीके से क्रिश्चन का जो है वो क्रिसमस होता है उसमें सब शामिल हो जाते हैं। तो ईद मुसलमानों का है लेकिन इसके अंदर सारे हिंदुस्तानी शरीक हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मर्द हो, औरत हो, धार्मिक गुरु हो या जो भी हो, सब मिलके मनाते हैं। तो आज यही तकरीब रखी गई थी, तो इसका मकसद है कि हम तमाम हिंदुस्तानी को एक रहनी चाहिए, हर एक के मज़हब, हर एक के बिरादरी का ख्याल रखना चाहिए और एक होकर हिंदुस्तान को खुशहाल देश बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आज का ईद मिलन का प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी के आदेश के अनुसार लिया गया है, जिसमें आयोजक अब्दुल रशीद अंसारी, तो और ये ईद मिलन के हिसाब से एक मानवता का संदेश लोगों को दिया जा रहा है कि भाई हम भाईचारगी से हिंदुस्तान के अंदर रहें, एक दूसरे की रक्षा करें और ये सारे विवाद जो हैं विवाद ख़त्म होना चाहिए और लोगों में आपस में भाईचारगी पैदा होना चाहिए। ईद मिलन का यही मकसद है कि खुशी का त्यौहार है और सब लोग मिलके एक दूसरे से अपना खुशियां मनाएं और एकजुटता का पैगाम देवे देश को। मिलन प्रोग्राम के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और माइनॉरिटी आघाड़ी के हमारे जो बम्बई के अध्यक्ष है अब्दुल रशीद अंसारी, इन्होंने आज ईद मिलन का सेलिब्रेशन यहाँ पर आरपीआई की तरफ से रखा था और इस मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नामदार रामदास जी अठौले साहब यहाँ पर पधारे थे। सभी हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों को उन्होंने शुभकामना दी है और इसलिए मैं भी हमारे उत्तर पश्चिम जिले के तरफ से सभी हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को, मौलानों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं शहनाज खान, महाराष्ट्र कार्य अध्यक्ष। आप लोगों से मेरी यही विनती है कि हिंदू मुस्लिम सब एक बन के रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी यही पैगाम जाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।